डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन को क्लियर कर रहे हैं। और एक्सरसाइज 7.5 में जो क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन नंबर 8 तक के लिए हम लोगों ने किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नाइन नंबर जो क्वेश्चन है, 3x+5 का इंटीग्रेशन बट्टा x³ - x² - x+1 (dx) ये हम लोगों का क्वेश्चन है। इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 3x+5 डिवाइडेड बाई, इसमें क्या कॉमन है भाई, x², तो यहाँ क्या बच रहा है, x-1। ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन हो रहा है, माइनस कॉमन हो रहा है, x-1 इंटू में dx। माइनस को हम -1 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से नीचे वाला को आप गुणनखंड तोड़िएगा तो आपको ऐसा मिलेगा, x² के साथ -1, x² - 1 और यहाँ पे x-1। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ना। अच्छा, इंटू में क्या, dx। अच्छा, आपको पता है कि हम लोग इसको कितने फॉर्म में और तोड़ सकते हैं भाई, तो a² - b², यानी कि इसको हम लोग 3x+5 बट्टा में, ये x² - 1 है तो क्या इसको लिख सकते हैं, x² - 1² ऐसा करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, a² - b² के फार्मूला पे हो जाएगा और ये हम लोगों को x-1 इंटू में क्या, dx। अब अगर हम लोग बात करें तो 3x+5, ठीक है, और बट्टा इसको क्या लिख सकते हैं, तो a+b और a-b पे तोड़ देंगे तो x+1 और x-1 और ये ऑलरेडी x-1 है इंटू dx। तो कुल मिलाकर हम लोग लिख सकते हैं 3x+5 बाई x+1 एक ठो, ठीक है, x-1 और x-1 दो ठो है, तो x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दो टाइम्स आया है, दो बार आया है, तो दो बार आया है इसलिए इसको होल स्क्वायर कर देंगे और इनटू में dx। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर बोला जाए तो 3x+5 ऊपर था और x+1 और इसको x-1 का होल स्क्वायर। तो दोस्त, यहाँ पे हम लोग पुट कैसे करेंगे, देखिए 3x+5 ऊपर में है बट्टा x+1 क्या है भाई, तो x+1 और नीचे क्या है, x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग पुट या फिर इसको कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, कैसे तोड़ेंगे वो देखिए। तो a बट्टा हो जाएगा हम लोगों को x+1, ठीक है, प्लस b बट्टा x-1 का क्या है, होल स्क्वायर। तो x-1 का x-1 लिखेंगे और होल स्क्वायर है ना, तो c बट्टा तोड़ देंगे x-1 का होल स्क्वायर। यानी कि जब भी होल स्क्वायर होता है तो एक बार ऐसे ही तोड़ते हैं x-1 और एक बार पूरा स्क्वायर पे तोड़ देते हैं। तो कुल मिलाकर हम लोगों को इसको तीन पार्ट में तोड़ना चाहिए, a, b और c। ठीक है, अब इससे आपको क्या करना है, अलग अलग वैल्यू निकाल लेना है a का, b का और c का। चलिए दिखाते हैं करके क्या होगा। 3x+5 डिवाइडेड बाई x+1 इंटू x-1 का होल स्क्वायर। हम लोगों को नीचे एलसीएम क्या होगा, तो x+1 और x-1 का होल स्क्वायर। x+1 से x+1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो a के साथ क्या बचेगा, x-1 का होल स्क्वायर प्लस b का, तो b रहेगा, x-1 के साथ कटेगा तो a को x-1 बचेगा, तो b के साथ क्या बचेगा, x+1 और x-1। ठीक है, b के साथ x+1 और x-1 प्लस में कितना, c। अब x-1 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर अगर होगा तो यहाँ पे हम लोगों को बचेगा x+1। ठीक है, तो नीचे वाला और नीचे वाला हम लोगों को कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, 3x+5 इज इक्वल टू
यहाँ बचेगा हम लोगों को a, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस वन के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो x स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस बी, और ये तोड़िएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ टूटेगा x स्क्वायर माइनस वन, और c के साथ क्या होगा, तो c के साथ होगा x प्लस वन। अब आप देख पा रहे होंगे सबको गुना कर दीजिए, तो 3x प्लस फाइव इज इक्वल टू, ए को इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए को वन से ए, ए को माइनस टू एक्स के साथ माइनस टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब आप दोनों तरफ की चीज़ों को देखिए, तो एक्स स्क्वायर का तो गुणांक इधर है नहीं, एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर जीरो है, लेकिन इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन कौन सा है, तो ए और बी, यानी कि ए प्लस बी। फिर इधर एक्स का गुणांक क्या है, तो एक्स का गुणांक इधर थ्री है, इधर एक्स वाला कौन सा है, तो माइनस टू ए, और एक्स वाला कौन सा है, तो प्लस सी, और बिना एक्स वाला यानी कि कॉन्स्टेंट कौन सा है, फाइव। इधर कॉन्स्टेंट कौन सा है, तो ए वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, फिर हम लोगों को कांस्टेंट माइनस बी है, फिर कांस्टेंट प्लस सी है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम लोगों को तीन गो इक्वेशन बन गया, इक्वेशन ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया हम लोगों का सेकंड, और ये हो गया हम लोगों का थर्ड। ठीक है, और ये तीनों चीज यानी कि ए ए प्लस बी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, अब ये तीनों इक्वेशन से सॉल्व करके आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए बी सी का वैल्यू। तो आप फर्स्ट इक्वेशन से ए का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, माइनस बी, ए का वैल्यू क्या होगा, प्लस में भी है उधर जाएगा तो माइनस बी, और सेकेंड वाला इक्वेशन क्या हो सकता है, तो ए की जगह पे आप माइनस बी रखिएगा तो माइनस माइनस क्या होगा, टू बी प्लस सी इज इक्वल टू थ्री, और इसमें ए के जगह पे आप अगर माइनस बी रखिएगा है ना, तो माइनस बी और माइनस बी हो जाएगा माइनस टू बी और प्लस सी इज इक्वल टू में फाइव, और दोनों इक्वेशन कट जाएंगे और टू सी बराबर एट, इसलिए सी बराबर फोर। तो सी का वैल्यू निकल गया, तो जब सी का वैल्यू निकल गया तो हम आराम से b का वैल्यू निकाल लेंगे, और जब b का वैल्यू निकल जाएगा तो a का भी वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो c का वैल्यू कितना है अभी तक के, फोर। अब जब c का वैल्यू निकल गया तो इसको मान लीजिए इक्वेशन फोर और इक्वेशन फाइव, तो अब आपको चलना है फोर से, फोर से चलेंगे तो टू बी प्लस सी बराबर थ्री, टू बी प्लस सी बराबर थ्री, सी का वैल्यू कितना आया, फोर, तो टू बी प्लस फोर इज इक्वल टू थ्री, तो टू बी बराबर माइनस वन, चार इधर माइनस में जाएगा तो तीन माइनस चार हो जाएगा माइनस एक, इसलिए बी का वैल्यू हो जाएगा माइनस वन बटा में टू। अब बी का वैल्यू निकल गया माइनस वन बटा टू, तो ए का वैल्यू कितना होगा, तो ए बराबर होता है हम लोगों को माइनस बी है, तो बी के जगह पे माइनस वन बाई टू, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वन बाई टू किस में, प्लस में। तो इस तरीके से हम लोगों का ए का वैल्यू आ जाएगा वन बाई टू, तो ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू हम लोगों को पता चल गया। तो अब हम लोग इसको, हम इसी को ना हम लोग तोड़े हुए हैं, ए बटा इतना, बी बटा इतना और सी बटा इतना, तो हम लोग ए के जगह पे, बी के जगह पे और सी के जगह पे तोड़ लेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगेन 3x प्लस फाइव बटा x प्लस वन और x माइनस वन के होल स्क्वायर, इसी को हम लोग तोड़े हैं तीन पार्ट में, a बटा कितना, x प्लस वन, b बटा कितना, तो x माइनस वन, और c बटा कितना, तो x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ए का वैल्यू कितना आया है भाई, तो देख लो, a का वैल्यू आया प्लस में वन बाई टू, बी का वैल्यू माइनस वन बाई टू और c का वैल्यू फोर। तो ए के जगह पे अगर हम लोग वन बाई टू रखेंगे बट्टा एक्स प्लस वन डी एक्स, बी के जगह पे माइनस वन बाई टू, तो माइनस इंटीग्रेशन वन बाई टू बट्टा
एक्स माइनस वन और प्लस सी के जगह पे फोर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे करेंगे, तो वन बाई टू तो एक्चुअली इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, तो बचेगा क्या, वन बाई एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन से बाहर होगा तो वन बाई एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स, फोर बाहर होगा तो इंटीग्रेशन वन बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आप देख पा रहे होंगे कि वन बाई टू इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वन बाई एक्स का लॉग एक्स, तो यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वन माइनस वन बाई टू इसका कितना हो जाएगा, तो लॉग एक्स माइनस वन प्लस फोर। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स माइनस वन का स्क्वायर है ना, तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो एक्स माइनस वन का पावर कितना हो जाएगा, माइनस टू डी एक्स। तो इधर तो हम लोगों का ठीक है कि वन बाई टू लॉग एक्स प्लस वन माइनस वन बाई टू लॉग एक्स माइनस वन, और ये हम लोगों का बन जाएगा प्लस फोर और एक्स माइनस वन के पावर माइनस टू प्लस वन और माइनस टू प्लस वन प्लस सी, क्योंकि ये अब फाइनल आंसर हम लोगों का हो जाएगा वन बाई टू लॉग एक्स प्लस वन माइनस वन बाई टू लॉग एक्स माइनस वन प्लस प्लस माइनस तो हो जाएगा हम लोगों को माइनस फोर इंटू कितना, तो एक्स माइनस वन के पावर माइनस वन। अब ये पावर में माइनस वन है तो इसको नीचे भी ले जा सकते हैं, तो इस तरीके से हम लोगों का ये फाइनल आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर नाइन था, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हिंट से हम लोग कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन। टेन नंबर क्वेश्चन क्या है जरा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो टेन नंबर क्वेश्चन है टू एक्स माइनस थ्री बटा एक्स स्क्वायर माइनस वन टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, तो सवाल क्या है, टू एक्स माइनस थ्री बटा एक्स स्क्वायर माइनस वन और डिवाइड मतलब डिवाइड में ही है टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, टू एक्स प्लस थ्री इंटू में डी एक्स। आप कीजिएगा क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस वन जो है ना इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे, टू एक्स माइनस थ्री बटा यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो वन को तो वन स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि वन स्क्वायर का वैल्यू वन होता है, तो एक फार्मूला पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में टू एक्स प्लस थ्री इंटू में डी एक्स। ठीक है, अब आपको जब ऐसा सिचुएशन रहता है तो क्या क्या पुट करते हैं, तो टू एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू, इसको तीन बार में फैक्टर में तोड़ेंगे, तीन बार में पुट करेंगे, तो ए बटा कितना होगा एक्स प्लस वन प्लस बी बटा एक्स माइनस वन प्लस सी बटा में टू एक्स प्लस में थ्री, तीन बार में इसको पुट कर देंगे। तो इससे आप क्या कीजिएगा, इसको इससे आगे चल के आप ए बी सी का वैल्यू निकालिएगा और इसको फिर पुट कर दीजिएगा, तो सब लॉग में आंसर आ जाएगा। यानी आपको एक हिंट्स के तौर पे दिया जा रहा है कि इस क्वेश्चन में आप ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा, फाइंड आउट करने के बाद उसको ए बी सी का वैल्यू रख देना है और फिर वहाँ पे पुट कर देना है। तो दोस्तों आपको यहाँ के आगे खुद से सॉल्यूशन करना है, फिलहाल हम अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्यूशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।